आज हम फर्स्ट ईयर का जो है चैप्टर फिफ्थ मिसलिनियस सीरीज जो है उसके अंदर जो टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था मैटर ऑफ रेफरेंस, उसके दो केस थे। एक केस जो था आपके पास अरिथमेटिक सीरीज थी और उसी का आज हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ले रहे हैं रेसिप्रोकल सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास रेसिप्रोकल सीरीज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन आपके पास डिफरेंट फॉर्म के हैं, इसकी फॉर्म कैसी आप देखें इनफिनिटी तक हो, मतलब इनफाइनाइट आपके पास सीरीज और उसके केस क्या होगा। सेकंड आपके पास जब फाइनाइट केस होगा तब आप क्या करेंगे उसको देखेंगे। और थर्ड जो बात होगी उसमें हम ये देखेंगे कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आता है, डिफरेंस जो आता है आपके पास, डिफरेंस किसके दरमियान में जो आपके फैक्टर आते हैं उनके दरमियान का डिफरेंस सेम है कि नहीं, सेम है या डिफरेंट है, इस चीज़ को भी हमने क्या करना होगा देखना होगा। पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे सेम वाला, फिर एक क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट वाला, और इसी से जो पहले जो केस में क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं मैं फाइनाइट करूंगा और इसके अंदर डिफरेंस उसका क्या होगा सेम होगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो आपके पास कौन सा करना चाहिए डिफरेंट फॉर्म है जो कॉमन डिफरेंस होगा उसमें डिफरेंट होगा, और इसी तरह से एक फिर उसका हम किसका डिस्कस कर लेंगे इनफाइनाइट। तो ये हमारे आज के लेक्चर का होगा, पहला केस इनफाइनाइट का डिस्कस, इनफाइनाइट है, दूसरा केस फाइनाइट है, फिर उसके डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि डिफरेंस सेम आता है या डिफरेंट आता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का पहले हमें फार्मूला देखना है। एस एन इन सम ऑफ द सीरीज अप टू द एन एथ टर्म आर इज इक्वल टू सी माइनस एन एथ टर्म विद अ फैक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग नेग्लेक्टेड, मतलब आपने सारे के फैक्टर एन एथ टर्म और फैक्टर लिखेंगे। लास्ट टाइम के फार्मूला ये था कि आप उसके अंदर क्या लिखते थे, नेक्स्ट फैक्टर लिखते थे। इसके अंदर आपने क्या करना है कि उसका फर्स्ट फैक्टर होगा उसको आपने क्या करना होगा छोड़ना होगा, और नीचे क्या लिखा होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर इन ईच टर्म कितने फैक्टर है उसके अंदर वो लिखने होंगे, उससे माइनस वन करना होगा, बल्कि चाहे कॉमन डिफरेंस अगेन बच्चे। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस आप जो लेते हैं वो फैक्टर्स के दरमियान में रहते हैं, नंबर से दरमियान में, ना कि सीक्वेंस के दरमियान में। हमें जो क्वेश्चन केवल है ये है आपके पास इनफाइनाइट का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 डॉट 3 डॉट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 डॉट 5 डॉट 7 प्लस अप टू स्पॉन, और ये कहां तक चला गया इनफिनिटी तक। इसका हमने क्या फाइंड करने की सम फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका एनएस सम फाइंड करेंगे। एनएस सम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एक्चुअली बन गई थी हार्मोनिक सीक्वेंस बन गई, मैंने इसको अरिथमेटिक में कन्वर्ट करना है, और अरिथमेटिक में कन्वर्ट करने के बाद लिखूंगा। अरिथमेटिक में कन्वर्ट करके एनएस सम का जो फार्मूला होता है वो आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। फर्स्ट जो है मैंने फर्स्ट टर्म सब की उठा के लिखी है, देखेंगे यहाँ से पहला 1 इधर 3 तो मैंने ये लिखा 1 3 नेक्स्ट इसका क्या होगा 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सीक्वेंस बन रही है वो मैंने कौन से नीचे बोलते हैं इसे स्टार पर डालो 3 5 और नेक्स्ट आपके पास क्या होगा 7। सिमिलरली 5 है, फिर उसके पास 7 है, 9 होगा कि आपके पास आ गई। ठीक है, इन तीनों की मैं एन एस टर्म फाइंड करूंगा। एन एस टर्म का फार्मूला ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आपके पास डी है, ए एन इज इक्वल टू ए वन क्या आपके पास 1 प्लस एन माइनस वन जी लेकिन 3 माइनस 1 इट्स 2, तो 2 लिख दिया 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इट्स 2। तो देखें यहां से ये चीज बन जाएगी हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एन माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या रहेगा माइनस 1, तो ए के अंदर टर्म हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे जाएंगे, ए वन आपके पास क्या है 3 है, बी इसका अंदर क्या आपके पास क्या होगा 2 होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी टू तक 2 मल्टीप्लाई में इट्स 2 है 2 वन जन 2 3 में से 2 निकालेंगे क्या आ गया 1। सिमिलरली इसका भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ए वन आपके पास क्या 5 का डिफरेंस है, हमारे भी क्या था 2 था, तो ये फाइंड के हमारे पास किया गया। अब इसमें ये वो केस है जिसमें डिफरेंस नीचे क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसलिए हमें ये डिफरेंस है क्या रहता है इसमें सेम आ रहा था। अभी हम इसको देखते हैं क्वेश्चन जब इसको हम फॉर्म में लाएंगे इसकी एन एस टर्म हम लेंगे उसको देखते हैं कि किस तरह से वो एन एस टर्म लिखी जाएगी। ठीक है, चलो सीक्वेंस भी उसकी एन एस टर्म आपके पास होगी 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट सीक्वेंस की एन एस टर्म आपके पास क्या है, इसका नाम है अगले तो टी है टर्म की एन एस टर्म। ठीक है, और फर्स्ट सीक्वेंस क्या क्या रही है 2 एन माइनस 1, नेक्स्ट आपके पास क्या रहा 2 एन प्लस 1, और उसके बाद थर्ड बार थी फर्स्ट डॉट सेकंड डॉट थर्ड, थर्ड आपके पास क्या रहेगी 2 एन प्लस 3। एक्चुअल में मेरे ये अरिथमेटिक थी तो रेसिप्रोकल में लाने के लिए मैंने इसको फिर डिवाइड के सामने करवा दिया। ठीक है, जिसका यहाँ रेसिप्रोकल था मैंने इसको भी क्या लिखा रेसिप्रोकल, क्योंकि मैंने जो एन एस टर्म फाइंड की थी वो अरिथमेटिक की थी, हमारे पास सीक्वेंस थी वो हार्मोनिक थी, इसलिए मैंने इसके फॉर्म के अंदर लिखा। अभी हमें क्या करना है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर, एस एन
देखें एस एन इज इक्वल टू सी हमें पता नहीं होता ऐसे ही लिखा जाएगा एन एस टर्म विद अ फैक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग नेग्लेक्टेड मतलब जिसका फर्स्ट फैक्टर है इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है बकाया को लिखने अब ये जो फैक्टर लिखे जाएंगे ये इस तरह से लिखेंगे क्या लिखे पहला छोड़ देंगे टू एन प्लस वन और टू एन प्लस ठीक है क्या किया हमने एन फर्स्ट को नेग्लेक्ट करके एन फर्स्ट को नेग्लेक्ट करके छोड़ दिया डिवाइडेड बाय इसका मतलब क्या है नीचे दी नंबर ऑफ फैक्टर इनिशियल तीन नंबर फैक्टर कितने हैं तीन है एक दो तीन तीसरा यहां सीक्वेंस में 1 2 3 इधर भी क्या गया 3 है ठीक है माइनस उसके अंदर क्या गया 1 ये वहां मल्टीप्लाई में कॉमन है अच्छा हमने देखें जरा यहां पर आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है ये सेम है कॉमन डिफरेंस देखेंगे 1 3 5 है इसका डिफरेंस भी 2 आ रहा है इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो इधर भी लेके 2 आ रहा है इधर भी 2 आ रहा है इसलिए ये केस इस्तेमाल कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो होते हैं वो सेम है अगर डिफरेंट हो वो दूसरा केस है अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे ठीक है फ्रॉम डिफरेंस यहां पर हमारे पास क्या है 2 आ रहा है चलिए एस एन इज इक्वल टू सी और यहां से ये नीचे आ जाएगा 2n plus 1 into 2n plus 3 और साथ इसके क्या आ 3 minus 2 is 2 और साथ में ये बना 2 आ गया ठीक है so Sn is equal to C minus 1 divided by 2n plus 1 into 2n plus 3 साथ में इसके क्या आ गया 4 ठीक है अभी पहले n c की वैल्यू मुझे चाहिए होगी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसका स्पेसिफिक करने के लिए c की वैल्यू मुझे चाहिए फाइंड आउट करनी है तो n की जगह क्या पुट कर दूंगा 1 इधर भी 1 इधर भी क्या हो जाएगा 1 तो देखें s1 is equal to c minus 1 divided by 2 into 1 plus 1 और फिर 2 into 1 plus 3 और साथ में क्या आएगा हमारे पास 4 तो s1 का मतलब क्या है मेरी फर्स्ट टर्म जो है उसका आप लिखेंगे वो क्या थी फर्स्ट टर्म हमारे पास 1.3.5 is equal to c यहां से 2 1 2 2 plus 1 is 3 मल्टीप्लाई में क्या होगा आपके पास जो सेकंड है मल्टीप्लाई में 2 अंदर 2 2 प्लस 3 इज 5 मल्टीप्लाई में यहां तक क्लियर है इधर आपके पास क्या आ जाएगा 3 5 सर 15 1 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू c माइनस यहां से देखिए 3 5 सर 15 15 फॉर द 60 15 फॉर द 60 माइनस इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 60 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास c आ गया अभी एलसीएम में या तो उसमें डिनोमिनेटर को सेम बना रहे हैं अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मैं सेम बना रहा 4 1 4 4 4 15 से ऊपर 4 नीचे क्या गया आपके पास 60 प्लस 1 नीचे आपके पास क्या है 16 इज इक्वल टू सी डिनोमिनेटर सेम एक बार निकल जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू सी 4 प्लस 1 इज 5 डिवाइडेड बाय क्या है 60 इज इक्वल टू सी तो यहां से देखें 5 पर था 5 पर और 60 तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1 डिवाइडेड बाय अच्छा सो s n इक्वल टू आपके पास c था और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1 डिवाइडेड बाय 12 ठीक है तो यहां से आपको लिखना 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 3 और साथ में क्या आ गया इसके 4 ये तो सम आ गया हमारे पास अप टू n तक अप टू क्या है n लेकिन हमें तो इसमें क्या कहा था कि ये क्या आपको रीजन है कि तो इसकी जगह हम क्या करेंगे n की को अप्रोच करवाएंगे किसके साथ इंफिनिटी के साथ तो जितना जितना n और बस की जगह हम क्या अप्रोच करेंगे इंफिनिटी तो ये हो जाएगा s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 बाय 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू इंफिनिटी प्लस 1 into 2 into infinity plus 3 into kya aa gaya aapke paas 4 to ye rakhe s infinity is equal to 1 by 4 is 1 by 4 minus 1 divided by this 4 2 into infinity 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 plus 1 infinity similarly 2 into infinity 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 plus 3 is again infinity and infinity multiplied by 4 is infinity so it's 1 by 4 minus 1 by infinity तो 1 बाय 12 इसी तरह से आ जाएगा जिस भी नंबर के नीचे इंफिनिटी आती है वो 0 हो जाता है आंसर हमारा क्या है 1 बाय 12 अच्छा अब आपको मैं बताता चलूं कि ये जो सीक्वेंस आपके पास बनी है ये आपके पास सम आ गया किसका एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है आज तो मैंने इनिशियली आपको कहा था कि ये हार्मोनिक है उसकी वजह क्या थी मैं जब सिंगल सीक्वेंस को देख रहा था इसका अगर देखा जाए 1 बाय 1 1 बाय 3 मैं इसको कैसे लिखूं इसको इस फॉर्म में लिखूं 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5 तो इस वक्त ये सीक्वेंस जो बनेगी फर्स्ट जो 1 बाय 1 1 बाय 3 1 बाय 5 तो ये आपके पास एक हार्मोनिक है
अब जब 1/3, 1/5, 1/7 ये भी हार्मोनिक है, 1/5, 1/7, 1/9 ये भी हार्मोनिक है, लेकिन जब इसको आप कलेक्टिवली देखेंगे इसको सिंगल कंसीडर करें, इसको भी सिंगल कंसीडर करें, इसको भी सिंगल कंसीडर करें, तो ये आपके पास कौन से सीक्वेंस बनते हैं, ज्योमेट्री बनती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखें 1/5, 3/5 = 15, 15 = 15 प्लस आपके पास नेक्स्ट अगर चेक करें 3/5 = 15, 15 = 7 = 8 प्लस नेक्स्ट आप अगर चेक करें नेक्स्ट आपके पास 5 = 7, 5 = 35, 35 = 3, 315। अब अगर इसका रेशियो चेक करें इसको और इसको डिवाइड करें आप तो देखें 105 को डिवाइड करते 15 तो क्या आ गया रेशियो 7। इधर इसको डिवाइड करके देखें 315 को डिवाइड करेंगे किसमें 105 पे, क्योंकि हमारे पास ये होता है a2/a1 तो a3/a2 क्या है रेशियो 7 आ रहा है तो ज्योमेट्री एज अ होल आप इसको पूरी को a कंसीडर करें इस पूरी को a कंसीडर करें तो तब ये ज्योमेट्रिक है। अगर इसके अंदर सिंगल सिंगल को देखा जाए तो फिर आपके पास ये केस हार्मोनिक है। तो इन्फिनिटी का केस हमने देख लिया, सिर्फ उसके अंदर आपने क्या पुट करना था, हर में इन्फिनिटी पुट करना था, और ये वो केस था जिसमें डिफरेंस आपके पास 11 था सेम था। अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें डिफरेंस भी सेम नहीं होगा और वो आपको एन टर्म देगा, ठीक है। असल से हम जो इसका नेक्स्ट प्रो था जिसमें हमने एन टर्म देखा था और जिसका कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम नहीं आ रहा था, उस केस को आज के हम लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे, उसकी वजह यह कि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, पड़ी है, तो हम इसका जो सेकंड एन टर्म वाला केस होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको डिस्कस करने अगले लेक्चर को कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।